नागपुर मनपा के विभिन्न विभागों सहित जोन कार्यालयों में लगने वाली स्टेशनरी व प्रिंटिंग सामग्री के 67 लाख रुपए के घोटाले का खुलासा हुआ है। संबंधित मामले में स्टेशनरी की आपूर्ति न करते हुए 67 लाख रुपए का भुगतान किए जाने का पता चला है। ज्ञात हो कि एक वर्ष पूर्व भी नगर सेवक धर्मपाल मेश्राम ने इस मामले को उजागर किया था। उसके बाद फिर मनपा में स्टेशनरी घोटाले की खबर सामने आई है। स्टेशनरी प्रमुख लेखा व वित्त अधिकारी घोटाला सहित 6 को नोटिस, जबकि इस मामले में मनपा के मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग के सहायक आयुक्त सहित कुल 6 लोगों को नोटिस जारी किए गए। मनपा में इस घोटाले के उजागर होने से खलबली मच गई है। मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी विजय कोल्हे, सामान्य प्रशासन विभाग के सहायक आयुक्त महेश धामेजा, वित्त विभाग के अफाक अहमद, राजेश मिश्रा, एस वाई नागदेव, सामान्य प्रशासन विभाग के मोहन पडवंशी, इनका समावेश है। संबंधित मामले में दोषी आपूर्तिकर्ता कंपनी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के निर्देश मनपायुक्त ने दिए हैं। मनपायुक्त राधाकृष्णन बी ने मामले पर कहा कि सामग्री की आपूर्ति न करते हुए 67 लाख रुपए के बिल का भुगतान किए जाने के मामले में पुलिस में मामला दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। वित्त अधिकारी, सहायक आयुक्त सहित 6 लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं। स्पष्टीकरण मांगा गया है। इस मामले में दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी।